सो हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, बिहार सरकार ICDS निदेशालय बिहार के तमाम छोटे बड़े आंगनबाड़ी सेविका बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ा निर्णय लेने जा रही है, जिस निर्णय के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं का समय और पैसा दोनों बचेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ICDS निदेशालय के तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जारी कर दिया गया है। इस लेटर को जानने के बाद बिहार के जितने भी तमाम छोटे बड़े आंगनबाड़ी सेविका हैं उनके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर चावल वितरण के लिए आपको PDS की दुकान तक जाना पड़ता था, जिसमें आप लोगों का समय और पैसा दोनों लगता था, उस चीज़ को लेकर बिहार सरकार ICDS निदेशालय अब यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। वो बदलाव क्या है, चलिए मैं आप लोगों को इस लेटर के माध्यम से दिखाता हूं। तो वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। ये लेटर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जो 45 चावल वितरण करती हैं उसके संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। तो बहनों, यहाँ पे देख पाएंगे इस लेटर का जो विषय दिया गया है, इसको देखने के बाद आपके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि जो आप लोग PDS की दुकान पे जाके अपना समय और अपना गाड़ी किराया दे के आप अपना जो 45 चावल है उसका उठाव करती थी, उसके संबंध में यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, लिखा गया है गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम WBNP योजना अंतर्गत 45 चावल का डोर स्टेप डिलीवरी के तहत उठाव हेतु प्रतिवेदन के संबंध में, यानी कि जो आप लोग 45 चावल PDS की दुकान से उठाते हैं वो आपके आंगनवाड़ी केंद्र तक अब सरकार पहुंचाने का काम करेगी, इसके संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है महाशय युग विषय के संबंध में कहना है कि गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम WBNP योजना अंतर्गत 45 चावल का उठाव डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से छोटे पंचायतों, नगर परिषद, नगर निगम में कोई एक चिन्हित स्थल तथा बड़े पंचायतों, नगर पंचायत, नगर निगम में किन्हीं दो चिन्हित स्थल में बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के परिवहन अभिकर्ता के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है आपके आंगनवाड़ी केंद्र तक किस प्रकार से जो है वो चावल का वितरण किया जाएगा। जैसे कि छोटे पंचायतों, छोटे नगर परिषद, नगर निगम में किसी एक स्थान को चिन्हित किया जाएगा जहाँ पे एक ही बार जो है वो चावल का आवंटन कर दिया जाएगा, और वहाँ से जो है आपके आंगनवाड़ी केंद्र तक जो ये बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो संस्था है, संस्था के द्वारा जो है अपने परिवहन से आपके आंगनवाड़ी केंद्र तक जो है वो चावल का वितरण किया जाएगा। जैसे कि बड़े पंचायतों और बड़े नगर परिषद, बड़े नगर निगम में किन्हीं दो स्थान को चिन्हित किया जाएगा और वहां से जो है आपके आंगनवाड़ी केंद्र तक जो चावल का वितरण किया जाएगा। आगे लिखा गया है उक्त के संबंध में प्रत्येक पंचायतों, नगर परिषद, नगर निगम में से किन्हीं एक दो चिन्हित स्थल, जैसे कि नोडल आंगनवाड़ी केंद्र भी हो सकते हैं, जो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों से निकट हो तथा अपना भवन हो और अच्छी कंडीशन में हो, पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के माध्यम से अवस्थित हो और वहां आने जाने के लिए वाहन की सुगमता हो, ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र को नोडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में चिन्हित कर केंद्रों की विवरणी बिहार स्टेट फूड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि 45 चावल का उठाव डोर स्टेप डिलीवरी के तहत परिवहन अभिकर्ता के माध्यम से किया जा सके। ये बहुत ही अच्छी पहल होने जा रही है बिहार के सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों के लिए, जैसे कि PDS की दुकान से चावल उठाकर अपने आंगनवाड़ी केंद्र तक लाने के लिए 400 और 500 रुपए का जो किराया आप लोगों को लग रहा था और साथ में जो आप लोगों को समय लग रहा था एक दिन का, वो समय आप लोगों का बचने वाला है। सीधे सरकार आपके आंगनवाड़ी केंद्र तक जो है चावल भेजने का काम कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अतः अपने जिला परियोजना में प्रत्येक पंचायतों, नगर परिषद, नगर निगम का एक या दो स्थान को चिन्हित कर, जैसे कि नोडल आंगनवाड़ी केंद्र का विवरणी दो दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में संलग्न कर निदेशालय के इस ईमेल आईडी पर भेजने का काम सुनिश्चित करें। यहाँ पे नगर पंचायत, नगर निगम में से किन्हीं एक या दो आंगनवाड़ी केंद्र जो नोडल आंगनवाड़ी केंद्र हो सकते हैं उनको यहाँ पे चिन्हित करके इसका जो प्रपत्र है वो विभाग को भेजा जाएगा, तो अक्टूबर से ही हो सकता है कि आप लोगों को इस प्रकार की सुविधा मिलने जा रही है। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अन्य वाहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।